हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सक्सेस मंच में। मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ MBBPSC, UPPSC, SSC, KVS, NVS, CTET सभी एग्जामों को क्रैक करने के लिए सिर्फ एक ही सीरीज़, 1 मिलियन GK क्वेश्चन की सीरीज़ इन हिंदी। YouTube पर पहली बार आप लोग देख रहे हैं, इतना अगर आप लोगों ने कर लिया तो आपको प्री निकालने से तो कोई भी नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी है, श्योरिटी है। और अगर आप लोग कर रहे हैं MBBPSC मेंस की तैयारी, UPPSC मेंस की तैयारी, CTET की तैयारी, KVS की तैयारी, NVS की तैयारी, तो हमारे चैनल पे विजिट करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में आपको आपके काम की वीडियोस मिल जाएंगी, तो एक बार ज़रूर प्लीज़ हमारे चैनल पर चक्कर लगाइएगा आप लोग। तो जो व्यूवर्स पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज की 1 मिलियन सीरीज़ में कौन से क्वेश्चंस हमारा इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग करेंगे भारत में शिक्षा का विकास, तो देख लेते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। सेकंड क्वेश्चन है, भारत में प्रथम राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी 1968 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा चार्ल्स वुड डिस्पैच को कहा जाता है और इसने निकाली थी अंग्रेजी शिक्षा के प्रति काफ़ी सारी नीतियाँ, जिसे 1854 को जारी किया गया था। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का सूत्रपात किया था लॉर्ड मैकाले ने। शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाने हेतु मैकाले का विवरण पत्र, जिसे मैकाले मिनट कहा जाता है, 1835 में जारी किया गया। शिक्षा में सुधार के लिए अंग्रेजी सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया 1882 में, तथा सैडलर आयोग का गठन 1917 में किया गया 1917 में। मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम इंग्लैंड में खोला गया, और देश का मतलब भारत का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय था डॉक्टर B.R. अंबेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना हुई थी 26 अगस्त 1982 को। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1985 में। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC, जिसकी स्थापना हुई थी 1956 में। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT, इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, इसकी शुरुआत हुई थी 1988 में। भारतीय शिक्षा को 10+2+3, मतलब कि 10 तक, फिर उसके बाद 2 साल का 11th-12th और 3 साल की ग्रेजुएशन, इसका सुझाव दिया था कोठारी आयोग ने। ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड नामक कार्यक्रम 1987-88 में लागू हुआ था। केंद्रीय अंग्रेजी व विदेशी भाषा संस्थान तथा इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद में है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर ने की थी। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग का गठन 1902 में लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में हुआ था। आगे बात कर लेते हैं शिक्षा के बारे में। तो आज़ादी के बाद शिक्षा में सुधार के लिए सरकार ने राधाकृष्णन आयोग का गठन किया था, जो 1948-49 ईस्वी में है, और कल डॉक्टर राधाकृष्णन का बर्थडे है, जिसे टीचर्स डे के रूप में मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम IIT खड़गपुर की स्थापना 1951 में की गई थी। भारत में प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज रुड़की में खोला गया, वो 1847 में। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 में कलकत्ता में। जामिया मिलिया इस्लामिया के विश्वविद्यालय की स्थापना 1920 में मोहम्मद अली जौहर ने की थी। शिक्षा का अधिकार जो अधिनियम था 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है, और आप लोग मुझे कमेंट में बताइए राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। चलिए नोबेल पुरस्कार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात कर लेते हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नोबेल पुरस्कार स्वीडन के जो रसायनविद है अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल, जिनका जन्म हुआ था 1833 में और मृत्यु हुई थी 1896 में, उनकी पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में दिया जाता है। अल्फ्रेड ने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुई थी, और इसका प्रतिवर्ष वितरण जो है 10 दिसंबर को स्टॉकहोम स्वीडन में तथा ओस्ला नॉर्वे में होता है।
नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में भौतिकी, रसायन, शरीर विज्ञान अथवा चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार स्वीडिश बैंक स्वेरिजेस रिक्स बैंक द्वारा अपने 300वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में 1967 में आरंभ किया गया था और 1969 में पहली बार रांगर फ्रिश नॉर्वे के और जेन टीन बर्जिन हॉलैंड को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र कल्याण के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस भौतिक एवं रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। स्वीडिश एकेडमी ऑफ लिटरेचर साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार देती है। बैंक ऑफ स्वीडन अर्थशास्त्र के लिए तथा नॉर्वे की संसद, जिसे स्टोर्टिंग कहा जाता है, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। कारोलिंस्का चिरोजिकल इंस्टीट्यूट, जो कि स्वीडन में है, वो शरीर विज्ञान और चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। भारत का सबसे पहला नोबेल साहित्य के क्षेत्र में 1913 में रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी काव्य संग्रह गीतांजलि के लिए दिया गया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला थी मदर टेरेसा, जिन्होंने 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एकमात्र मुस्लिम थे प्रोफेसर अब्दुल कलाम। विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे सीवी रमन, जिन्होंने 1930 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। नोबेल पुरस्कार 2014 के तहत ये राशि दी गई है। अब डाटा लेटेस्ट हो गया, इसको मैं अपडेट कर दूंगी जल्द ही। द्वितीय विश्व युद्ध के समय 1940 से 1942 तक नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। नोबेल पाने वाली जो प्रथम महिला थी वो मैडम क्यूरी थी, जिन्होंने 1903 में रेडियो सक्रियता की खोज हेतु नोबेल दिया गया। नोबेल पुरस्कार के किसी एक क्षेत्र में 3 से अधिक व्यक्ति संयुक्त विजेता नहीं हो सकते हैं। अब तक केवल 2 बार 2 व्यक्तियों को मरणोपरांत यह पुरस्कार दिया गया है। 1974 में नियम बना कि मरणोपरांत किसी भी व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। सबसे कम उम्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई हैं, जिन्होंने 17 साल की उम्र में 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। अब हम बात कर लेते हैं गवर्नर जनरल और वायसराय की, जो हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। तो बंगाल में स्थायी कर व्यवस्था किसने लागू की थी? तो ये की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड केनिंग। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था लॉर्ड कर्जन के काल में। बंगाल विभाजन रद्द हुआ था 1911 में लॉर्ड हार्डिंग टू के शासनकाल में। रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था 1905 में लॉर्ड कर्जन के काल में। प्रथम रेलवे लाइन की स्थापना हुई थी 1853 में 1853 में। इस समय शासन था लॉर्ड डलहौजी का। भारत में पहली बार चुनाव कराया गया था 1937 में, जिसमें लॉर्ड लिलिथगो के समय में, उस समय उनका शासनकाल था। कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा था मार्च 1946 में, जिस समय लॉर्ड वेवेल का शासन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट करके बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय हुआ था। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 में कोलकाता में, और इसके संस्थापक थे लॉर्ड वेलेजली। स्थायी बंदोबस्त इसकी पद्धति लागू हुई थी 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। सती प्रथा 1829 में और ठगी प्रथा 1830 में इसकी समाप्ति हुई थी लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। प्रथम फैक्ट्री अधिनियम 1881 में पारित करवाया गया लॉर्ड रिपन द्वारा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1920 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। बंगाल में द्वैत शासन 1765 में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा स्थापित किया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी, उस समय लॉर्ड वेबल का शासनकाल था भारत में। कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1862 में, उस समय लॉर्ड कैनिंग
का शासनकाल था। होम रूल लीग की स्थापना तथा चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम में। सहायक संधि 1798 में पद्धति लागू हुई थी सहायक संधि की, और लॉर्ड वेलेजली के शासनकाल में। भारत में सहायक संधि का प्रयोग सर्वप्रथम किया था डुप्ले ने। महारानी विक्टोरिया भारत की सम्राज्ञी घोषित की थी लॉर्ड लेटन के शासनकाल में। मैकाले की अनुशंसा पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया 1835 में। उस समय शासन था लॉर्ड विलियम बेंटिक का। मैकाले मिनट्स घोषित हुआ था उस टाइम में 1835 में। खुद को बंगाल का शेर कहता था लॉर्ड वेलेजली। साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में लॉर्ड इरविन के समय। स्थानीय स्वशासन की शुरुआत हुई थी 1882 लॉर्ड रिपन के काल में। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के शासनकाल में। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था 1939 में लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम में। कांग्रेस का जन्म हुआ था लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में। तो यहाँ ख़त्म होते हैं आज ऑलमोस्ट हम लोगों ने 100 to 120 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे ही वन मिलियन जीके की सीरीज़ यहाँ कंप्लीट होगी धीरे धीरे ऐसे ही। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।